नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस पिड्डे के अंदर, ये जो हमारा पिड्डा है, ये छोटा खटिया है, इसके अंदर ताना किस प्रकार से बनाते हैं और ताने की जो चैन है वो किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो इस ताने को शुरुआत करने के लिए आपको इस छोटे से पिड्डे के किसी भी एक कोने से इस रस्सी को इस प्रकार से बांधना है। तो इस प्रकार से ये रस्सी गांठ लगाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो देखिए। तो उसके लिए हम एक ऐसा सा यंत्र ले लेते हैं जो घुंडी लगाने के लिए, जो चैन है उसको बनाने के लिए काम आएगा। तो हम इसकी जो इस साइड से जो शुरुआत करते हैं, जिस साइड से आपकी जो हैबिट है काम करने की, अगर आपकी राइट हैंड से हैबिट है तो आप राइट साइड से शुरू करें, और लेफ्ट हैंड से अगर आपकी हैबिट है तो आप लेफ्ट साइड से शुरू करें। तो मेरी जो हैबिट है वो राइट साइड से है, तो मैं इस साइड से ये गांठ लगाकर इसको स्टार्ट करता हूं। तो अब आप देखिए, इसको इसके बीच में से इस प्रकार से लेना है, फिर ये इसके बीच में से इस प्रकार से निकालना है, इस प्रकार से, फिर इसको यहाँ पे लगाकर इस प्रकार से ये ले लेना है। तो इस प्रकार से ये आंटी लगाने के बाद में दूसरी साइड लेना है, और इस साइड से भी ये इस प्रकार से पास में करके एक इस प्रकार से एक और लेना है, उसको इस प्रकार से बीच में से निकालकर इस साइड से ये इस प्रकार से लगा लेना है। तो ये देखिए, इसकी हमने जो ताने की जो शुरुआत है वो हमने कर दी है। अब हम आगे इसको किस प्रकार से घुंडी लगाएंगे, तो इसके अंदर मैं आपको डबल घुंडी लगाकर बताऊंगा। तो ये हमारी सिंगल घुंडी हो चुकी है, अब हम इसको आगे डबल घुंडी लगाकर आपको दिखाएंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। और इस प्रकार से ये देखिए, हमें दूसरी जो रस्सी वो लेनी है, और फिर इस साइड से भी इस प्रकार से लेना है, और फिर ये जो घुंडी है इसके बीच में से इस प्रकार से निकालनी है। तो ये डबल घुंडी की स्टार के लिए हम यहाँ पे दो बार निकालेंगे इस प्रकार से, और फिर इसके बीच में से ले लेंगे, और इसको थोड़ा वापस खींचकर टाइट कर लेंगे, और इस प्रकार से आगे दूसरी साइड में आएंगे, और इस साइड में भी हम इसी प्रकार से जो घुंडी है उसको लगाएंगे। तो आप देखिए, इस साइड में भी हम जो डबल घुंडी है तो हम दो बार लेंगे, और ये जो डबल रस्सी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे। तो आप देखिए, अब ये हमारी जो डबल घुंडी हो चुकी है, ये देखिए, इसको होने के बाद में अब हम ये जो रस्सी है इसको पास में चिपकाएंगे और आगे इसको इस प्रकार से बनाएंगे। तो अब ये जो इस साइड में जो है, यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से निकालना, इसके बीच में से अगर थोड़ा टाइट है तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके बीच में से निकालना है। तो ये निकाला, और इसको निकालने के बाद में अब जो ये पीछे का एक है उसको, एक को छोड़ देना इसको, और आगे के जो दो है उसको इसके ऊपर ले लेना इस प्रकार से। तो हमें एक रस्सी छोड़नी है और आगे से एक रस्सी लेनी है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी घुंडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस साइड में भी हमें इसी सेम डिजाइन है, सेम प्रोसेस है, आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो अभी हम देखिए, इसके बीच में से निकालेंगे, और ये इसके अंदर से निकाल कर इसको भी हम पास में चिपकाएंगे, और ये एक रस्सी ये पीछे की छोड़ देंगे, और आगे की दो रस्सी के ऊपर इसको ऊपर ले लेंगे। और फिर ये जो हमारी जो घुंडी है, ये जो चैन है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो ताना है वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हम कितनी रस्सी रखेंगे वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि कितनी रस्सी रखनी है और इसको किस प्रकार से बनाना है। तो पहले हम जो ये ताने की चार पांच रस्सी चला लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात आपसे करेंगे। तो आप देखिए, ये जो ताना है इस प्रकार से बनाना है हमें, और ये जो चैन है वो डबल घुंडी की चैन बनानी है इस प्रकार से। तो ये जो हमारा जो पीटे की जो डिजाइन है वो डबल घुंडी वाली होगी, और डबल घुंडी बनाने से फायदा ये है कि ये जो दिखाने में अच्छी दिखाई देती है और एक अच्छी सी डिजाइन बनती है डबल घुंडी से। सिंगल घुंडी से भी बनती है, लेकिन डबल घुंडी की जो डिजाइन है वो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम डबल घुंडी की बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, हम इसके बीच में से इस प्रकार से निकालेंगे, और ये जो हमारा ताना है इसको बनाएंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, एक एक रस्सी चलाकर बताऊंगा। तो आप मेरा टोटल पार्ट देखें, आगे आपको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये देखिए, हमारा जो ताना है वो बन रहा है इस प्रकार से।
और ये जो घुंडी है वो भी बनाई जा रही है। तो हम इस प्रकार से ये जो पूरा ताना आपको बनाकर बताएंगे और इसके अंदर जो डिजाइन है वो भी मैं आपको बनाकर बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूले। अगर आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार से इस वीडियो को देखकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ पार्ट में की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप अलग अलग प्रकार की डिजाइन देख सकते हैं चार भाई की। तो इस प्रकार से ये जो डिजाइन है वो हम बनाएंगे। तो ये जो ताना है ये हम पूरा बनाकर बताएंगे। इस प्रकार से ये जो ताना है हमारा इस प्रकार से बनाया जाता है। तो आप देखिए ये जो ताना है इतनी तक मैंने बना दिया है, ये रस्सी है चला ली जहां तक की, और आगे भी मैं आपको इसको बनाकर बताऊंगा। तो आप देखें, ये देखिए जो घुंडी है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये जो ताना है वो भी मेरा बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो ताना है वो बनेगा और इसी प्रकार से हम इसको घुंडी को भी लगाएंगे और एक एक घुंडी लगाते जाना है और लास्ट तक हमें इस प्रकार से ये जो घुंडी की डिजाइन बनानी है और ये ताना है जो कि हमें खींचना है। तो इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से खींचकर बनाना है। ये देखिए तो ये देखिए आप हमारा जो ताना है वो बनकर तैयार हो रहा है। इसको ज्यादा टाइट नहीं रखना है, अगर आप टाइट रखोगे तो फिर इसको बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम थोड़ा इसको लूज रखेंगे। और ये जो बनाकर हम आपको बताएंगे, ये देखिए हमारी जो ये घुंडी है वो भी बनाई जा रही है और उसके अलावा ये जो ताना है वो भी बनाया जा रहा है। तो हम ये पूरा ताना आपको बनाकर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और चारपाई के बारे में वीडियो देखते रहें, आपको अलग अलग प्रकार के डिजाइन के बारे में, अलग अलग प्रकार की चारपाई के बारे में मेरे चैनल पर बताया जाएगा। तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि ये जो ताना है ये किस प्रकार आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देखिए ये हमने ताना बनाया है। इसी प्रकार से आपको भी चारपाई के अंदर भी ताना बनाना है, इसी प्रकार से बनाया जाता है। और छोटा खटिया होता है या पिड्डा होता है उसके अंदर जो ताना बनाता है वो भी इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो मैं आपको ये नजदीक से बता देता हूँ, आप देख लीजिए इसकी जो ये घुंडी किस प्रकार से लगी है, मैं नजदीक से भी बता देता हूँ आपको, तो आप वो भी देखें। और ये जो ताना है इस प्रकार से हम बनाते हैं वो भी जरूर देखें। तो आप देखिए ये जो ताना है यहाँ से यहाँ पे ये जो घुंडी है ये इस प्रकार से लगी है, ये जो घुंडी आप देख लीजिए ये घुंडी इस प्रकार से लगेगी और ये जो ताना है हमारा यहाँ इस प्रकार से बनेगा और ये पूरा ताना हम आपको बनाकर बताएंगे। इस साइड में भी आप देखिए ये जो घुंडी है इस प्रकार से चलेगी और इसको थोड़ा पास पास में रखना है, बीच में देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये जो ताना है वो भी देखिए ज़्यादा टाइट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे का जो पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो आप आने वाला वीडियो देखना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर रखें ताकि जब भी मैं आगे का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।